सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि यूपी में अपराधी बेलगाम है और उन्हें कानून व्यवस्था का जरा सा भी डर नहीं रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा, यूपी में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं दे रही है। आगे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद भी अपराधी प्रदेश छोड़कर नहीं गए, जो जेल गए वहीं से वो अपना काला धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राम नायक भले ही इन हालात में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश की राह पर बताएं, लेकिन सच तो ये है कि आज ये राज्य जनता के लिए भय और दहशत का पर्याय बन गया है। आगे अखिलेश ने कहा कि कल ही अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में देर शाम समाजवादी लोहिया वाहिनी के गोसाईगंज विधानसभा अध्यक्ष टीकू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीकू यादव समाजवादी पार्टी के उभरते युवा नेताओं में से एक थे। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों का यौन शोषण की घटनाएं कम नहीं हो रही है। छेड़छाड़ के डर से तमाम छात्राओं ने स्कूल या कोचिंग जाना छोड़ दिया है। बलात्कार की बढ़ती इन घटनाओं का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लिया। आगे अखिलेश यादव ने कहा, कानून के बावजूद शासन प्रशासन अपराधियों में उसका भय नहीं पैदा कर सका। स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के बड़बोलेपन का अनेक अधीनस्थ अफसरों पर कोई असर होता तो दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे पूरा प्रशासन तंत्र हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।